ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। उफ, हाउ रोमांटिक। वो FIR लिखवाने आई है संतू, कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है, और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें, हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे। इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जवान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता है इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। प्रिया तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे, और वो कभी वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। पूछते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार इसे प्रपोज करने से ना पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाय लगे कैसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार हैं जी। कौन? हाँ थैंक यू वेरी मच संतोष जी, देखिए ना क्या बोल रही है। हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है, कहता है उसे सब याद आ गया है, और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सरफिर आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमका धमकी देता है? नहीं नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है, पर वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी बुलाते हैं। कब बात कर रही हो तुम? तो? हमें ये डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे। हम तुम्हारा डर समझ गए पिया, ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो मींस नो। सॉरी। जाइए इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतोष जी, आइए चलिए। मैडम सर ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है, ऐसा धोबी पछार देंगे ना उनको, अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किए ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। आप बहुत अच्छे है। कौन? आगे आगे। हाँ, हाँ, हाँ। और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता नाम है। नहीं आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है, चीता हमारा नाम है। सी फॉर चीता, सी फॉर संतु, सॉरी एस फॉर संतु। सो क्यूट।
जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप एकदम चीता के तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहें? हाँ हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतोष, ऐसा लगता है आपको? बस 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 बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी, प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतोष जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? जिसका दिल हमको चाहिए वो दे दे तो। हाँ, कल दे दे, देख बाय बोल रही। बाय 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 बाय। गई वो। चलिए। पुष्पा जी, कहाँ है? पक्का यहीं होंगे वो? हाँ हाँ हाँ, इसी कॉलेज से तो पास हुआ है वो, मगर यहीं पे अड्डा जमा के बैठता है। हाँ ठीक है, उतरिए फिर, यहीं बैठ के देखते हैं। उतरिए। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है। अबे छिरकुट वावा तो कर। वाह वाह भैया, वाह वाह। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है, बस अब कह दो कि हम तुम्हें मजबूर है। मजबूर नहीं, मंजूर है। अरे भाई भाई यार, इतनी इज्जत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। इज्जत नहीं भैया, शिद्दत, शिद्दत। अरे यार तू शिद्दत रख ले, यह ठर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। वाह, फिर गलत बोल दिए। ठर्रे नहीं, जर्रे ने, जर्रे ने। अबे चिरकुट, प्यार में ना फीलिंग्स देखी जाती है, फीलिंग्स जो मेरी है पिया के लिए। ये व्याकरण व्याकरण कौन देखता है? नया सुनो, पिया तुम्हारे प्यार में घर बार छोड़ देंगे। ये आशिकी छोड़ दो वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या शेर मारा है अपने मैडम जी। जी मैडम जी। जी मुजरिमों की हड्डियां तोड़ते तोड़ते बोर हो गई क्या, जो इस बेचारे शायर की हड्डियां तोड़ने लगी है? वही समझाने आए हैं तुमको कि आशिकी का दुकान बंद करो वरना ऐसा तंबू उखाड़ेंगे ना कि फिर कभी आशिकी करने के काबिल नहीं बचोगे, तुम समझ गए? अरे मैडम जी, ये इश्क नहीं समुंदर है। अबे वावा तो कर। वावा वावा भैया वावा। हमारा इश्क नहीं समुंदर है, अपना जाहिल खुद ढूंढ लेगा। वाह, जाहिल को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। साहिल को जाहिल बोल दे। चुप रहो, तुम्हारा समुंदर ना दो चाटों में सुखा देंगे, हम समझ गए। पिया ने कंप्लेन किया तुम्हारे खिलाफ, उसके आसपास भटकना मत वरना अंदर कर देंगे सीधा, समझ रहे हो बात को? पिया ने कंप्लेन की है? जी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम जी आपको ना गलती हो रही है, वो उसने कंप्लेंट नहीं की होगी, और अगर की भी है ना तो आप वो ना नदान है, वो ना समझ नहीं सकती ज्यादा, वो ना भोली है, माफ कर दो उसे। आप ना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। अच्छा, मतलब अब तुम हमको बताओगे किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किसकी बातों को नहीं? हाँ नहीं नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप हमारी बातों का ना हकीम कीजिए। हकीम नहीं, यकीन, यकीन। अरे हाँ वही कीजिए। सच तो ये मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं पिया को, कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया, कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। एक मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना? वरना क्या करेंगी, मारेंगी? नहीं नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम ने मैडम से वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। का जरूरत था ये कहने का, हम डरा रहे हैं ना? हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे। जाइए। ए आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना या उसके आसपास भी भटके ना, घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी,
आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हो और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों, प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना तो बांध दीजिए हथकड़ी, ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा, हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है, अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। जब हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम, लगता है फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना, एक काम करो, खुद को खर्च कर दो, आप मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अभी के अभी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया। हाँ हाँ शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना अब तो? कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुग्गे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो चार पैसे आएंगे, हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ दो हमारा बंदूक वापस। था ना प्यार करते हैं। चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे इतने अच्छे हैं। यहाँ अचानक कैसे? हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए। सब ठीक है? जी सर, everything is fine। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद। मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है? देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा,
वो हमारा पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है, जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहे आकर कलेक्ट कर सकते हैं, इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओ हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आने वाले, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। कौन कहता है इस जमाने में सच्चा प्यार नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है, जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। भैया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना, हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते अब तो हमने साबित कर दिया कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होंगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया, बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी। एक सरफिरे आशिक को बेगुना आशिक बना के रख दिया, क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहाँ अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ। आप भी तो रोक सकती थी ना हमें, हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा, आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपके जूनियर होते हैं, और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुकुम चलाने लग गए ना, तो दो दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सास बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी, समझ रही हैं आप हमारी बात? बस करिए आप लोग, कभी कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की। यहाँ कबीर को खुलेआम लाइसेंस मिल चुका है पिया को परेशान करने का, ऊपर से ये मीडिया ट्रायल्स, किसी ने सोचा है कि पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस वक्त? हम तो तुम रो कह रही हो, कबीर ने कुछ तंग किया क्या, कुछ हुआ क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स को सब पता चल गया, वो कह रहे कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा, तो मैं कबीर को यहाँ कर दूँ और उससे शादी कर लूँ। क्या बात कर रही हो, ये तुम्हारे घर वाले या कबीर के घर वाले जो कह रहे हैं उससे शादी कर लो, का उल्टा बात कर रहे हैं? देखिए पिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे भी यही ठीक और आखिरी ऑप्शन लग रहा है कि मैं मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कर दूँ। देखो पिया, ये सब भसड़ हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही तुमसे वादा करते हैं कि ये पूरा मुसीबत से ना हम ही तुमको आउट करेंगे, हम सच बता रहे हैं तुमको। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम सच में चाहती हो कि कबीर तुम्हारा जीवन साथी बने, क्या तुम ये चाहती हो, क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है? तो फिर घबराओ, अगर तुम्हारा दिल ना कह रहा है तो जबरदस्ती हाँ मत कहो,
उस लड़के को हम समझाएंगे दैट नो मीन्स नो। उसका असली चेहरा हम दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि ये हीरो कितना बड़ा विलन है। होगा कैसे मैडम सर? रोमांस पिया जी के नहीं मैडम सर, नहीं नो मैडम सर, मतलब पिया जी को हमने कभी भी उस नजर से नहीं देखा मैडम सर। क्या एक्टिंग? चीता चतुर्वेदी, रोमांस करने की एक्टिंग करनी है आपको। देखो, जब कबीर पिया को किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो वो अपना आपा खो बैठेगा और तुम्हें बुरी तरीके से पीटने लगेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस दिन उस लड़के को पीटा था। मैडम सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी केस का हल निकाल रही है कि पर्सनल लेवल पर हमसे गुस्सा निकाल रही है। नहीं, जो रोमांस होगा ना वो तो गारंटीड नकली होगा, लेकिन जो लड़का हमको मारेगा मैडम सर, वो क्या, वो तो पूरा हड्डी तोड़ देगा, वो तो असली होगा ना। चीते, फर्ज के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू। देखो चीता, हम तुम्हें ज्यादा नहीं पिटने देंगे। लेकिन पिटने तो दीजिएगा ना मैडम सर आप हमको। जैसे ही कबीर तुम पर अटैक करेगा, करिश्मा सिंह वहां आ जाएंगी और उसे धर दबोचेंगी। वो पूरा टाइम तुम्हारे आसपास ही रहेंगी। पिया, देखो हम जानते हैं कि इस तरह एक अजनबी इंसान के साथ रोमांस करना मुश्किल हो सकता है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। नो प्रॉब्लम मैडम, हमें चीता जी के साथ रोमांस करना मंजूर है, अगर उनको मंजूर है तो। हाँ हाँ, चीती को तो क्या तकलीफ होगी, ये तो केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अंतु जी। हाँ, मेरा मतलब है कि केस सॉल्व करने के लिए तू आपसे शादी भी कर सकता है ना चीते? हाँ, वैसे चीते की चाल पर और मैडम सर की नजर पे कभी संदेह नहीं कर सकते। तो फिर तय रहा, कल आप दोनों रोमांस करने के लिए तैयार हो जाइए। चीते, नाटक करते करते सच में प्यार हो गया तो? संतोष जी, अगर नाटक करते करते सच में प्यार हो जाएगा ना, तो हमको उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हमको आपके साथ प्यार करने का, नाटक करने का मौका मिलेगा। जाइए जाइए, आप दोनों इन्हें घर छोड़कर आइए। नहीं, अगर हम तीन जाएंगे तो बात तो बिगड़ जाएगी ना, अगर ये दोनों जाएंगे तो बात बनेगी, तो क्या रोमांस करने का टाइम मिल जाएगा ना। शी इज राइट, जाइए। मैं चलती हूँ तुझे जीप तक छोड़ने, चल। मैडम, बाप रे बाप, अरे यार, नहीं नहीं मैडम सर, एक सेकंड, एक बात पूछना था। कबीर को हिरासत में लेने के बाद क्या होगा? हमें लगता है कबीर को काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम वही करेंगे। नहीं, काउंसलिंग से भी अगर वो नहीं माना, क्योंकि वो सर फिरा है, किसी चीज का गारंटी नहीं है ना मैडम सर। ये तो आपने सही कहा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं। गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी कि हम एक दिन पुलिस ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी, इसलिए इस बार भी हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है। क्या है ना करिश्मा सिंह, कि आपने जो किया है उसके बाद मीडिया और दुनिया की नजरों में कबीर एक हीरो बन चुका है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास ये एक ही प्लान, परफेक्ट नहीं है बट यही एक ऑप्शन है, इसलिए आप उसे गिरफ्तार करके लाइए, बाकी हम देख लेंगे। अब तो हम उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे। जय जय। अम्मी, आपको हर बार नए लड़के मिल कहाँ से जाते हैं? बस कीजिए प्लीज, हमें किसी और लड़के से नहीं मिलना। हसीना, इतनी चूजी मत बन, अभी जिस लड़के की तस्वीर भेजी है उसको हाथ से मत जाने दे, एक बार देख तो ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा ये लड़का। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। जी, रखते हैं फोन। ये अम्मी भी ना मानेंगी नहीं, कौन है ये?
भी आप अपने बाल खोल सकती हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। आपको हम पर विश्वास है ना? जैन मैडम। जी जी पुष्पा जी, आप यहाँ? वो आपका एक पार्सल आया था तो सोचा आप खुद ही दे दें। अच्छा अच्छा, दीजिए यहाँ। वैसे हमें पता तो था कि आप डीएसपी सर को पसंद करते हैं, मगर आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी गई आप। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप पुष्पा जी प्लीज धीरे कहिए, वरना जबरदस्ती दाई का पहाड़ हो जाएगा। आप भी इधर कर दीजिए ना, बोल दीजिए हमसे क्या शर्माना। हाँ हम अनुभव सर को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं। पिया अपने वो जगह पर जाओ, जाओ चल चीते जा। संतू जी क्या कर रही है? ज्यादा पास जाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल हो जाएगा, फिर कौन चीता है कौन पिया जी है पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पिया चीता का हाथ पकड़ो। चीते ऐसे हाथ पकड़ेगा तू? हाँ फोन है कि वाइब्रेट होए जा रहा है कब से। अबे ओ चीते, तुझसे रोमांस नहीं होगा, मैं सिखाता हूँ कैसे होता है रोमांस। जा 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 भाई, जा जा जोशी पकड़। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ कभी ना भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाथ वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे रोमांस करना है तुझे। बहुत ज्यादा हो गया संतोष जी इसका। ए चुप करो तुम, एक ऐसा कंटाप लगाएंगे ना सारा सुरतार भूल जाओगे तो। तुमसे सनी हाँ। तुम बहुत अच्छा रोमांस करते हो, आओ तुम आओ जाओ, मौका मिला हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। हमें किसी और के साथ रोमांस नहीं करना, हमें सिर्फ चीता जी के साथ रोमांस करना है। वो क्या है ना, हम इनके साथ थोड़े कम्फर्टेबल है। ठीक है, अब तुमको इसी टोपा के साथ रोमांस करना तो इसी के साथ करो। ठीक। वैसे मैडम सर, हम अब बहुत खुश हैं आज ये जान के कि आप करिश्मा जी की भाभी बनेंगी और वो आपकी ननद, मतलब यहाँ भी आप उनकी सीनियर होंगी। पुष्पा जी प्लीज इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत पकाइए, करिश्मा सिंह की भाभी बनने के लिए पहले उसके भैया हाँ तो कहें। आप एक काम कीजिए ना, आप ही उनसे पूछ लीजिए। हम पूछे? क्या क्या कह रही हैं आप पुष्पा जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम नहीं पूछेंगे, हमें शर्म आती है, हम नहीं पूछ सकते। मैडम सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? देखिए, मोहब्बत में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, हमेशा याद रखिए। जैसे डीएसपी सर आएंगे ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा, अभी देरी मत कीजिए। हाँ ऐसे नहीं, लीजिए हम प्रकट हो गए आपके समक्ष, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर पूछिए ना। चलो ठीक है, हम ही शुरुआत कर देते हैं। मैडम सर जो है ना, वो पिछले कई दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। अब वो सवाल क्या है ये मैडम सर खुद पूछेंगी, क्योंकि वो पूछना चाहती थी। तब तक हम वो पार्सल स्टोर रूम में रख के आते हैं। हाँ मतलब तब तक आप दोनों एक दूसरे को हाँ कह दीजिए। जी हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे को बस एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए। दीजिए पार्सल दीजिए।
ये पार्सल पुलिस थाने में? हाँ मैडम सर का है, वो इनके कोई रिश्तेदार है दत्ता जी। हाँ वो पार्सल आए। अरे हाँ हाँ आपने बताया था हमें। तो आते हैं हम ये रख के। तो हसीना जी पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? पुष्पा जी प्रश्न आपको पूछना है या हसीना जी को? उनको ही पूछना है। आते हैं हम। जाइए। पूछिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। फोन। जी दत्ता जी कहिए। नमस्कार बेटा, हमारा एक पार्सल आने वाला था, आया क्या? हाँ हाँ आपका पार्सल आ गया है और हमने हिफाजत से स्टोर रूम में रखवा दिया, अब जब चाहे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कल आके कलेक्ट कर लूंगा। हाँ हाँ आ जाइए, फिर मुलाकात होती। खुश रहो। कहाँ चले गए? मैडम सर बात होगी आपकी सर से? क्या कहा उन्होंने बताइए ना। अरे पुष्पा जी रिलैक्स, कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी। जब तक हम अपना फोन कॉल करके पलटते वो गायब हो गए। इसमें तो लॉक लगा है, जल्द से जल्द इसे अनलॉक करना होगा। मधुमक्खी जो होती है ना वो अपने छत्ते के आसपास ही मंडराती रहती, कहीं नहीं जाती। वो भी कहीं नहीं गए होंगे, यही कहीं होंगे। दूसरे लॉक का कोड भी जल्दी क्रैक करना होगा। फोन करके देखते हैं। ये डीएसपी सर का ही फोन है ना? फोन भी यहीं छोड़ दिया, फिर गए कहां? थाने में देखते हैं। ये काम करिए, आप उस तरफ जाकर ढूंढिए, हम स्टोर रूम में देखते हैं, ठीक है? आप जाएंगी? हाँ हाँ हमसे ना रहा नहीं जा रहा। सर आप कहाँ चले गए थे, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा? वो दरअसल कल हमने चने कुछ ज्यादा खा लिए थे, इसलिए पेट अपसेट हो गया है। आइए पुष्पा जी। आप कुछ पूछना चाहती थी? शीघ्र ही पूछिए वरना पता चला फिर से बुलावा आ गया। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है हम चलते हैं। सर आपका फोन हमारे केबिन में रह गया है, वो लेते हुए जाइएगा। अरे हाँ थैंक यू, चलते। कहाँ हम आपकी शादी के सपने देख रहे थे मैडम सर, सोचा था घोड़े को चने खिलाएंगे, मगर देखो यहाँ खुद दूल्हा चने खा के परेशान है। जय हिंद सर। सर जितना हम इसके बारे में सोच रहे थे ये उससे भी ज्यादा भयानक योजना बना रहे हैं। जैसा हमें संदेह हो रहा है अगर बिल्कुल वैसा ही है तो निश्चित हम एक बहुत गहरी संकट में है। और सच बताए तो हम बहुत भयभीत हो रहे हैं सर। जय हिंद सर।
कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए चीते, तुमको पिया के बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है ताकि कबीर जब यहाँ आए और वो जब तुम दोनों को साथ देखे तो भड़के, और बाकी ना हम सब संभाल लेंगे, ठीक है चीते? हाँ। उसका वक्त हो गया आने का, तू जा। हाँ। All the best. तुम देखते रहना, ये थोड़ा दूर रहे। चीते आ गया। हाँ, हाँ, है, जिल्लत कैसे हुई? जिल्लत नहीं भैया, हिम्मत। अबे जिल्लत या हिम्मत, चुप कर। जो तुम किए हो ना उसके लिए हम तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। आप बच नहीं पाओगे। सुनो 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 सुनो, इकबाल बनाम तुम दोनों रेडी रहना, ठीक है? वहाँ पे जाओ, उसे रोको और जोर जोर से चिल्लाना, पुलिस पुलिस पुलिस, तो मैं और करिश्मा मैडम आके उसे बचा लेंगे। तुम कब कभी रुके? कौन हो तुम बे? कौन हो? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। हम चिंतन है, हम प्यार से बहुत प्यार करते हैं, प्यार से बहुत प्यार करते हैं, ये सच बात है, ये सच्चाई है। ये हमसे प्यार करते हैं और हम भी इनसे प्यार करते हैं। रेडी रहना, रेडी रहना। हाँ। प्यार करती हो तुम इससे? प्यार तो हम करते ना तुमसे, हैं? प्यार तो हम करते तुमसे, कभी करते ना हम तुमसे प्यार? कबीर भैया, कबीर भैया, कबीर भैया। मैडम, हमने अपने आप को रंगे हाथ पकड़ के सीधा अंदर डाल दिया। मैडम आपको झूठ लग रहा है? मैडम सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने खुद के FIR दर्ज कर रही। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैडम हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम अपने आप को कड़ी से कड़ी सजा देंगे मैडम। लेकिन प्लीज मैडम, हमको मारिएगा मत मैडम। देखो हमारे दिमाग का दही मत करो, समझ रहे हो? तुम दोनों हार नहीं आए ना तो इसी दीवार में चुनवा देंगे तुम दोनों को। चलो बाहर आओ। आपसे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई तो आप हमको मारोगे? अरे मतलब आई, एक काम करते हैं, हम लोग आपस में मार लेते हैं, ठीक है? ये तो परफेक्ट आइडिया मैडम, मुझे धीरे से धीरे धीरे मेरा भाई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे संतु, डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ। अरे एक मिनट, डंडा नहीं, डंडा, आ जाओ जाओ और निकलते हैं। पहुंच से डालो उनको, अंदर डालो। अरे पर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये जो सलाखें है ना, ये किसी प्यार करने वाले को रोक नहीं सकती। पर प्यार करना कौन सा पुना है? पुना नहीं, सॉरी, इनके कहने का मतलब है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सरेआम किसी को पीटना गुनाह है, इसकी वजह से तुम जेल के अंदर हो।
और सुनो, तुम ये खुद को ट्रू लवर कहना एक तो बंद करो। प्यार सहमति से होता है, जबरदस्ती नहीं। और पिया तुमसे प्यार नहीं करती। आप झूठ बोल रही हैं। पिया हमसे बहुत प्यार करती है, और वो तो वो बेचारी भोली है, बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में देखा हमने, वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने मुंह से मना करती है तब तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें क्या कहती है वो तुम्हें समझ आ रहा है। पिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो कितनी बार तुमसे ना कहे, उसकी ना में ही हाँ है। अम्मा थोड़ा पढ़ लेते तुम तो तुम्हें समझ में आता कि हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। देखिए, हम समझ रहे, आप सब हमें पिया से फिदा करना चाहते हैं, लेकिन जान लीजिए वो हमारी और हम उसके। हम ऐसा कंटाप खींचेंगे ना कि तुम्हारा उर्दू और तुम्हारा जो बुद्धि है ना वो साथ में सीधा हो जाएगा। क्यों गालिब का जान सुखा रहे हो? फिदा नहीं होता है, जुदा होता है। और कौन किसके लिए बना है ना ये हमको नहीं पता, लेकिन लात घूसा तुम्हारे लिए बना ये अभी हमें पता है। और हम तुम्हें किसी से जुदा नहीं कर रहे। अगर पिया तुमसे प्यार करती तो हम बीच में नहीं आते। पिया तुमसे प्यार नहीं करती, ये बात समझ जाओ। पिया घबराओ मत, आराम से बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? क्या तुम इसे प्यार करती हो? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। पिया, तुम्हें डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और हम तुमसे। बस एक बार ना उस लड़के का नाम बता दो जिसने तुम्हें छुआ है, ऐसा मारेंगे ना उसको कि हमेशा याद रखेगा। कह दो इनसे कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बोलिए पिया जी। नहीं, नहीं करते हम तुमसे प्यार, नफरत करते हैं तुमसे। पहले दिन भी तुम्हारा प्यार ठुकराया था और आज भी ठुकरा रहे। क्या कह रही हो तुम? प्यार नहीं करती आप हमसे? हाँ, ये चिल्ला दिया हमारे प्यार का के बाबू, जिला नहीं होता है, सिला होता है। अबे जिला होता है या सिला होता है, हम तुम्हें हम कहीं देखे हैं यार? नहीं नहीं नहीं, हमें ना ना ना, नेवर। पिया, आज तक तुमने हमारा सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन अब तुम हमारी नफरत देखोगी। जिस तरह हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह हम तुम्हें बहुत ज्यादा अब नफरत करेंगे। बस एक बार हम यहां से बाहर आ गए ना, फिर तुम देखना हम तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझी तुम? फिर चाहे हमें फांसी क्यों ना लग जाए, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, समझ रही हो ना तुम? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी? और तुम्हें अब ये पुलिस ऑफिसर्स क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान बचा नहीं सकेगा। यार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात होता है वो, और हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का मुलाकात हुआ है कभी। लेकिन तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। भैया क्या है ना कि इस दुनिया में ना एक शक्ल के साथ इंसान होते हो, तो देखे होंगे आप हमारे जैसा कभी भी। बात तो सही है। और ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? यार तुम केबीसी खेल लो हमारे साथ, इतना सवाल कर रहे हो। भैया तुम, हम फिसलते फिसलते नहा गए थे, नहाते नहाते फिसल गए थे, नहाते नहाते। हाँ ठीक है ठीक है, इसको छोड़ो। देखो हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं, हम तुम्हारी काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें पूरी सहायता करोगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है? जितना पूछा जाए उतना बता दीजिए ना भैया। हाँ हाँ हाँ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हाँ बोलो आगे। देखिए, जब तुम किसी को टूट कर चाहो ना और वो तुम्हारा दिल तोड़ दे,
तो क्या बीतती है वो आप में से कोई नहीं समझ सकता। मैडम सर, आपने देखा ना ये सरफिर आशिक कैसे धमकी दे रहा था, वो भी हमारे सामने। वो बेल पे निकला ना, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, हम बता रहे हैं आपको। रिलैक्स करिश्मा सिंह, आज सैटरडे है और कल संडे, मतलब दो दिन तक तो वो बेल से यहाँ से जा नहीं सकता। और जहां तक बात है पिया की, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। रिलैक्स, हम बात करेंगे, समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगा। आप क्या बात कर रही हैं, उस टोपे इंसान का केस आप ऐसा जज्बात से सॉल्व करेंगी? जो इंसान प्यार का भाषा नहीं समझ जाए, वो जज्बात का भाषा कैसे समझेगा, आप हमें बताइए। करिश्मा सिंह, फिलहाल वो बहुत गुस्से में है, एक बार वो शांत हो जाए फिर हम उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि वो कितना गलत है। ठीक है? ठीक है, अगर वो समझ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा बात होगा। लेकिन अगर उसने पिया को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया और आपका जज्बातों का चक्री ना चला, तो फिर दुनिया का कोई भी जज्बात और कोई भी ऑर्डर उसको हमसे नहीं बचा सकता। फिर ना हम आपका सुनेंगे और ना आपके ऑर्डर का। ये आप याद रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद। तुमको क्या लगता है दुनिया में तुम इकलौते इंसान हो जिसे प्यार हुआ है और उसका दिल टूटा है? बल्कि दुनिया में हर शख्स को किसी न किसी से प्यार हुआ होगा और उसका भी दिल टूटा होगा। रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, चा चा चा। रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, चा चा चा। चाय। ये देखो, ये इकबाल है, इसको भी प्यार हुआ था, इसका भी दिल टूटा था। बोलो इकबाल। हाँ बताएं। हाँ तो बताते हैं। देखिए, एक तरफा प्यार तो सबको होता है, लेकिन हमें दो तरफा प्यार हुआ था और बहुत सही चल रहा था। स्लोली स्लोली हम लोग खूब बातें क्या करते थे रात रात भर। वो बोलती थी सोना चाहिए, सोना चाहिए। नहीं, ये तो एकदम सही कहती थी ना, क्योंकि सोना तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। दिन की 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, हम भी वही बोले कि बहुत रात हो चुकी है, अब सोना चाहिए। लेकिन उसको वो सोना नहीं चाहिए था, उसको गोल्ड वाला सोना चाहिए था। बता। ये बात हमें तब पता चली कि उसने वो गोल्ड की रिंग और गोल्ड की चेन वाले शादी कर ली, और हमारे पास ले दे के बच गया बस गोल्ड के नाम पे। दिल? नहीं नहीं, गोल्डन बाल। चीता। हाँ हाँ। तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हुआ है हमको प्यार संतु जी, हमको अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। तो क्या होता है संतु जी कि हम क्या होता है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं? जब कभी हम ऐसे अपना आंख खोलते हैं ना संतु जी, तो खाली उसी को देखना चाहते हैं, और जब कभी अपना आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ उसका ख्वाब देखना चाहते हैं। एक लड़की है दीवानी सी, उसकी अदाएं हैं जानी पहचानी सी। जब वो मुस्कुराती है तो मासूम सी लगती है, और जब वो गुस्साती है तो बहुत हसीन सी लगती है। कौन है वो लड़की और कब प्रपोज करेगा उसे? हेलो, कभी भी नहीं। नहीं संतु जी, क्या है ना कि विमेन साइकोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा प्यार उस लड़की को गवारा नहीं है। मतलब हम उस लड़की के दोस्त ही बनकर रहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारी दोस्त ही बनकर रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम उसको प्रपोज करें। और ये भी तो सच है ना संतु जी, कि मोहब्बत करके जुदा होने से बेहतर है कि दोस्त बन के पूरा जिंदगी साथ रहा जाए। और सच्चा प्यार भी हासिल करना थोड़ी होता है, सच्चा प्यार तो उसी का नाम है जो हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ निभाए। अब खाली उसका खुशी में हमारा खुशी है, और उसको खुश देखना हमारा मकसद है संतु जी। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी, कबीर पर काउंसलिंग का असर हो रहा है, गुड। चीता, हमें लगता है कि फिर भी तुम थोड़ी देर कबीर के साथ ही रहो, उसे और काउंसलिंग की जरूरत है। जी मैडम सर। मैडम सर, चाय पीने के बाद जाएं वहां पे? जाओ। ओके मैडम सर। पता नहीं एकदम से कबीर में जो इतना हृदय परिवर्तन आ गया है, हमको भरोसा नहीं हो रहा है इस पे। सर फिर आशिक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे लोगों को, ये नाटक कर रहा है। मैडम सर, यहाँ से बाहर निकलेगा तो पिया से बदला जरूर लेगा, आप मानिए हमारा। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाती हैं? कभी कभी। फोन।
नमस्ते दत्ता जी, कहिए कैसे हैं आप? तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो हमें तो तुमसे पार्सल लेना था, क्या करें। तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? हम तुम्हारे थाने के पास में जो चेक नाका है ना, उसे क्रॉस करके तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। हाँ ठीक है, हम आ सकते हैं अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस निकल ही रहे। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। अच्छा ठीक है। इसका मतलब हसीना मलिक को जरिया बनाया जा रहा है ताकि माल सुरक्षित और बिना चेकिंग के उन लोगों तक पहुंच जाए। पुष्पा जी, हमें थोड़ी जल्दी है, आप हमें सब कुछ अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? हाँ हाँ मैडम सर, अब तो थोड़ी जल्दबाजी करनी बनती है ना। पुष्पा जी, अब वैसी जल्दबाजी नहीं, हम काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है? आप संभाल लेना। हाँ हाँ, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, आप इत्मीनान से जाइए। मगर हाँ मैडम सर, आज आप अपनी अधूरी बात पूरी कर दीजिएगा डीएसपी सर के साथ, देखिए आज नहीं तो कभी नहीं। कौन सा अधूरा बात पुष्पा जी? कुछ नहीं, आप चलिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, चलिए तो सही, चलिए। जय हिंद हसीना जी, बताइए कैसे याद किया? सर दरअसल हम, अगर आप फ्री हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। याद है हमने कहा था हमें आपसे एक सवाल पूछना है, तो उसी सिलसिले में पिछली बार पूछ नहीं पाए थे तो सोचा अगर आप फ्री हो तो। क्षमा चाहते हैं हसीना जी, दरअसल आज हमें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कल हम आपसे अवश्य मिलेंगे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। नहीं मैडम सर, आपकी ईमानदारी में पुलिस फोर्स पर कोई शक हो ही नहीं सकता, और उस ड्रग वाली घटना के बाद हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज जाइए मैडम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हसीना मलिक का इस्तेमाल किया जा रहा है बैग को पुलिस चेकिंग से बचाकर बाहर निकालने के लिए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। चाचा जी कैसे हैं? ईश्वरी कृपा है, बहुत अच्छे जी। ये लीजिए आपका पार्सल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चाचा जी को हमारा नमस्ते कहिएगा। हाँ हाँ जरूर कह दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा। हाँ हाँ प्लीज प्लीज ऑफ कोर्स। कहीं ये बैग लेकर महिपाल के पास तो नहीं जा रहा, इसका पीछा करना होगा।
हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ, हम वहीं जा रहे थे लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। आपकी ये मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है क्या? आई मीन, क्या ये पोस्टपोन हो सकता है? असंभव है हसीना जी, हमने अपनी माताजी को वचन दिया था, इस गोष्ठी के लिए तोड़ नहीं सकते। हम आपसे कल भेंट करते हैं, फिलहाल हमें लोहपत गामिनी की भांटी दौड़ लगानी है। लोहपत गामिनी? ट्रेन, ट्रेन की रफ्तार से जाना है। हम अवश्य आपसे कल मिलते हैं, आगे दीजिए, चलते हैं हसीना जी। क्या माँ को वचन दिया है मीटिंग के लिए? देखिए मैडम सर, हो ना हो वो किसी और लड़की से मिलने गए हैं शादी के लिए। मैडम सर, कहीं ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए और वो किसी और लड़की को पसंद कर ले शादी के लिए। जाइए, रोकिए उन्हें। गाड़ी तो अभी सिर्फ स्टेशन से निकली है ना, अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंची है। क्या पता आपकी बात सुन के वो रुक जाए, जाए नहीं उस लड़की से मिलने। और हाँ, जब तक वो अपने मुँह से आपको मना ना कर देना, उनकी तरफ से आप ना बिल्कुल मत समझिएगा। मैडम सर, इससे पहले कि उनका मन किसी और लड़की से मिले, आप जाके मिल लीजिए उनसे। जाइए, रोकिए, कह दीजिए अपने मन की बात। जाइए जाइए, सीधा बात कर लीजिए, अभी हम रख रहे हैं। जाइए मैडम सर। हाँ। शिव जी, मैडम सर को शक्ति देना आज बात करने के लिए। हसीना जी हमें क्यों दूरभाष कर रही हैं? काट दिया? पड़ा है ये फाइल, बताओ। डेल्टा वन कॉलिंग रोमियो, ओवर। डेल्टा वन कॉलिंग फॉर रोमियो, ओवर। डेल्टा वन फॉर रोमियो, ओवर। ये मैडम सर किससे बात करना चाह रही है? डेल्टा वन कॉलिंग रोमियो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अनुभव सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज गाड़ी रोकिए। अनुभव भैया, सर हम बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे हैं, प्लीज गाड़ी रोकिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोमियो कॉलिंग डेल्टा वन, हसीना जी क्या हम ये कल तक नहीं टाल सकते? ओवर। जी नहीं सर, कल तक बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते, कॉल करे सो आज कर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज रुक जाइए। हसीना जी आपको क्या हो गया, आप हमसे वायरलेस पर क्यों बात कर रही हैं? ओवर। सर आप खुद ही समझ जाइए, अगर हम वायरलेस पर बोल रहे हैं तो समझिए कि कितनी जरूरी बात होगी। सर हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं, रुक जाइए प्लीज, ओवर। हाँ बहुत जिद्दी है हसीना जी, हमने आपसे कहा था ना एक बहुत जरूरी काम के लिए हम जा रहे हैं, हम कल अवश्य आपसे भेंट करेंगे, ओवर। सर ये बात हम मिलकर ही कर सकते हैं, प्लीज रुक जाइए, बात समझने की कोशिश करिए। गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, हम समझ क्यों नहीं रहे? पीछे ही पड़ गई है। अनुभव सर, आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। गाड़ी रोक दीजिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। We'll be right back.
रुके रुके। अरे ये इस सिग्नल को भी अभी जाना था क्या? ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए। अरे काओ ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया, आगे क्या हुआ होगा पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ना हमारा दिल तो कहता है, जिस तरह से डीएसपी सर की गाड़ी मैडम सर को देख के हमेशा रुक जाती है ना, वैसे आज भी रुकी ही होगी, देख लेना। डीएसपी सर ना अकल से काम लेते हैं, मैडम सर की तरह जज्बातों से काम नहीं लेते हैं। मैडम सर को मना करने वाला इंसान अकलमंद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और जितना हम आपके अन्नु भैया को जानते हैं ना, वो आपसे थोड़ी सी ज्यादा समझदार है। अब ना मैडम सर को भाभी कहने की आदत डाल दीजिए। तब भाभी भाभी भाभी, ये जो आप हमको छेड़ती हैं, आपको लगता है हमको समझ में नहीं आता है? नहीं बनेंगी वो हमारी भाभी, और इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में वो हमारा भाभी नहीं बनेंगी। क्यों, आपकी भाभी बनने के लिए क्या वीजा जरूरी है? अगर फैमिली वालों का वीजा लग रहा होता ना, तो हम आपका नाम सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में डाल देते। हमें बस इतना पता है कि अनुभव भैया ना कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। होगा, ऐसा जरूर होगा, उनका जवाब हाँ में ही होगा, देखना। भाभी यार किस कब्ज में आप सबका शुक्रिया अदा करें ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। हमा मिया, शुक्रिया अदा करने के लिए कब्ज नहीं लफ्ज की जरूरत होती है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अब ना हमें सच में समझ आ गया है कि प्यार जो है ना वो जकड़ के नहीं होता, प्यार मतलब आजादी, और प्यार का दूसरा नाम गुरुवाणी है। गुरबानी नहीं, कुर्बानी बाबू। हाँ भाई, यार हम कहीं तो तुम्हें देखे। नहीं देखा है तुमने यार, हम बोल रहे हैं ना तुमको। देखो जो होना था हो गया, सच बात तो यह है कि अब जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो हम पिया जी और उस लड़के को जाकर ना उनसे माफी मांग लेंगे, बहुत मारे हम उसको। अरे क्या भैया, आपको आपको माफी मांगनी है? माफी मांगनी है आपको, अभी मांगिए। पर वो लड़का यहाँ है कहाँ? अरे यहाँ का यही तो है, ये चीता यही तो था पिया के साथ। चीते, जब तुम्हारा नाम चीता है तो इतनी नीच हरकतें क्यों करते हो? इसका मतलब वो मूंछ तुम्हारी थी हा? और ये चोट हमारी दी हुई है ना। छोड़िए कोई बात नहीं, माफ कर दिया हम आपको। अब समझे कि तुम ये बिरयानी का ज्ञान कहाँ पेल रहे थे। अबे चपड़गंजो, बिरयानी नहीं कुर्बानी होती है। अबे चुप, क्या 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 करोगे, मारोगे? अब सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सब सुनोगे, हम सब समझ गए। तुमने इसलिए किया ना कि हम तुम्हारे रास्ते से हट जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम पिया जी के साथ हो जाओ। लेकिन सच कहें, ये अब होगा नहीं, क्योंकि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? दिक्कत है, क्या चल रहा है थाने में? थाने में होके तुम थाने के हवलदार के साथ मार पिटाई कर रहे हो, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया आज? तुम ऊपर देख के ना धन्यवाद करो कि हम चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो ये आशिकी का जो भूत है ना तुम्हारे अंदर, ये 5 मिनट के अंदर हम निचोड़ के निकाल सकते हैं, समझ गए? यहाँ कहाँ खड़े हो टोपे के जैसे, बंद करो ना ऐसे हवालात में। चलो चलो भाई, बिना मतलब का तांडव मचा रहे हो। चलो कब तक रोकेगा हमें यहाँ पर? कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ना, और जब छोड़ेंगे ना तो इन दोनों के तो शक्ल का जो हम हाल करेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कितना देर हो गया मैडम सर अभी तक नहीं आई है। संतू तुम दोबारा फोन लगाओ, पूछो कहाँ रह गई है। नहीं 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 संतू, कहाँ नहीं करोगी तू? क्यों? अरे क्या करने के लिए कह रही है आप संतू को? देखिए अभी अभी तो मैडम सर और डीएसपी सर में कुछ कुछ होने के आसार नजर आ रहे हैं, और आप ही की अब मैडम सर शर्मा के डीएसपी सर को टाटा बाय बाय कल मिलेंगे ऐसा कहेंगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। पुष्पा जी आप यहाँ क्या कर रही है पुलिस में? ज्योतिष बनिए ज्योतिष, तोते की तरह सबका फ्यूचर तो आप ही बताती हैं। दूसरा तरफ भी रखना तुमको हाथ।
नो नो मैडम नो। बताइए पूरी दुनिया का फ्यूचर बताइए, 11-11 रुपए मिलेंगे आपको। मैया कसम, हमेशा दिमाग इतना गर्म रहता है ना, सर पे अगर तवा रख देना तो दो वक्त का खाना यूं गर्म हो जाए। देखिए दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आप लेकिन लेकिन कुछ नहीं, वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। अनुभव भैया कभी भी मैडम सर के लिए हाँ नहीं कहेंगे, वो दोनों एक नहीं हो सकते। तुम फोन लगाओ जल्दी फोन लगाओ। नहीं सर, तुम फोन नहीं करोगी। नहीं तुम करोगी, हमको जानना है मैडम सर। जय मैडम सर। जय। क्या हुआ क्या हुआ मैडम सर, डीएसपी सर ने गाड़ी रोकी कि नहीं? ये बात आप सबको कैसे पता है? मैडम सर सिर्फ हमें नहीं, लखनऊ के सभी थाने वालों को पता चल गया, क्योंकि आप जब बात कर रही थी ना तो वायरलेस पे हम सब सुन रहे थे। हाँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, प्यार का इजहार ही तो कर रही थी आप। देखिए हमें और संतू को लगता है कि डीएसपी सर ने हाँ कहा होगा, और करिश्मा जी को लगता है कि ना कहा होगा। एक मिनट जी, देख तुमको क्या लगता है? हमको तो इतना लगा है कि हमको तो लग रहा है कि हमको लगना ही बंद हो गया है पुष्पा जी। चीते एक दो बार मार पड़ी तू आ करने लग गया, पुलिस में कैसे भर्ती हुआ तू? संतू ये तुम पूछ रही हो? पुष्पा जी आप पूछ रही हैं। करिश्मा सिंह ये आप पूछ रही हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब पुलिस में कैसे भर्ती हो गए। संतू जी चोट से ज्यादा इस सवाल से दर्द हुआ है हमको। चुप करो ना, मैडम सर को मुद्दे से भटका रहे हो तुम लोग। मुद्दा पुष्पा जी, ये मुद्दा हमारा निजी मामला है, ये कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है जो सब खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। मैडम सर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हो रहा है क्लियर रिजेक्ट हो गए। तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है, तुमको भी तो रोज रिजेक्शन ही मिलता है। मैडम आप लोग क्या खुसुर-बुसुर कर रहे हैं वहाँ, हटिए आप प्लीज, क्या कर रहे हो ये? और करिश्मा सिंह ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आप बार बार फोन पे फोन किए जा रही थी हमें? नहीं आप बहुत भरोसे के साथ कह के गई थी कि काउंसलिंग से जो है कबीर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, चीता परिवर्तन होने वाला था। उसने दोनों हाथों से जो चीता को आज फोड़ा है, आपके जज्बातों के चक्कर में ना आज वो स्वर्गवासी बन जाता। हम कह रहे हैं चीता हो पिया हो कोई भी हो, यहाँ से निकलने के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ करेगा, हमको पूरा विश्वास है। आप हमें ना हमारे तरीके से केस सॉल्व करने दीजिए, हम निपटा देंगे। हो गया, बोल दिया, कर लिया जिसको जो डिस्कशन करना था। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, इस थाने की SHO हम हैं, इसलिए केस किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम डिसाइड करेंगे, और ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। अब आप इसको हमारी मनमानी समझिए, जिद समझिए, जो समझना है समझिए, बट दैट्स फाइनल, जा सकते हैं आप सब। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बहुत होटे मैडम सर, आशिकी में बहुत गहरी चोट खा कर आई है आज। चलो मैडम सर, आप SHO हैं तो हम भी ऐसा आए हैं, और इस बार आपकी नहीं हमारी मनमानी चलेगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इतनी रात को? आपके आखिरी वक्त की तैयारी कर रहे हैं हम। है? क्यों, आपने कहा था ना कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो पिया को छोड़ेंगे नहीं, अब ये तो तब होगा ना जब आप यहाँ से अपनी जान को बचाकर बाहर जा पाएंगे। हम कुछ समझे नहीं। अबे चपड़गंज मैडम का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। हाँ, और सबको लगेगा कि तुमने खुदकुशी की है? पर हम क्यों खुदकुशी करेंगे? क्योंकि आप पिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जैसे ही आपको पता चला कि पिया किसी और से प्यार करती है और किसी और के साथ भाग गई, तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे, ये कल TV पे चलेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जो तुम्हें हीरो समझते हैं, समझे? अब तुम ठहरे हीरो और हम ठहरे डायरेक्टर, और हीरो तो वही करता है जो डायरेक्टर कहता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो, पकड़ो ना भाई, घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाओ। हमें क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो हमें।
आप तो संतोष जी है ना, वो थाने वाली संतोष नहीं। आपकी संतोष। हम यहाँ कैसे आए? आप यहाँ आए नहीं। आपकी किस्मत आपको यहाँ लेकर आई है। चलिए याद दिलाती हूँ। क्या कर रही हैं आप? करिश्मा मैडम आपका एनकाउंटर करना चाहती है, लेकिन हमने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। देखिए, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? और ऐसे बांध के क्यों रखा है? और ये बिस्तर सुहागरा जैसा क्यों सजा हुआ है? आप खुद सोचिए ना, कभी अगर एक लड़की अपनी जान खतरे में डालकर एक लड़के की जान बचाती है तो क्या मतलब होता है? कहते हैं कि जो आपकी जान बचाता है वो जान हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। इसलिए जब आप बेहोश थे तब हमने आपसे शादी कर ली। शादी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप होश में तो हैं? कभी प्यार में लोग मदहोश हो जाते हैं, आप तो फिर भी बेहोश थे। हम आपसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ पियाजी से प्यार करते हैं। गलत सोच रहे हैं आप कबीर जी, आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और जल्दी ही आपको भी एहसास हो जाएगा। क्या एहसास हो जाएगा? हमें प्लीज जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं कबीर जी, अब आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम साथ साथ जिएंगे, और साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। देखिए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते। हमसे प्यार आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक और बात करनी थी कभी, आज के बाद मेरे अलावा तुम्हारी जुबान पे किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। हम आपके मुंह पे ना कर रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुंह पे ना है तो क्या हुआ, दिल में तो हाँ है ना। कोई है? कभी मैं हूं ना। हाँ कर दीजिए ना, आप हमसे प्यार करते हो और हम आपसे। बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। आप भले ही ना बोले लेकिन आपकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। संतु, अरे तुम कबीर को यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखिए ना, बहुत अच्छा हो आप लोग आ गए, प्लीज हमें बचाइए, ये इन्होंने हमें यहाँ पर बांध के रख दिया और पता नहीं क्या क्या चाहती है। खबरदार, अगर करीब आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे क्योंकि मैं कबीर से सच्चा प्यार करती हूँ, निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैडम से देखिए तो कितना सच्चा प्यार करती है संतु कबीर से, ऐसे इन दोनों को आप अलग नहीं करना चाहिए, है ना? सही बात, चलिए। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं कह रही है, हम इनसे प्यार नहीं करते हैं, इन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ बांध के रखा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्यार करना सीख जाओगे, संतोष तो करती है ना तुमसे प्यार बहुत, तो बस फिर इवेंचुअली तुम्हारी ना भी हाँ में बदल जाएगी। हाँ। लेकिन प्यार को ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना करा सकता है। आय हाय, तुम तो पिया के साथ ऐसे ही करने वाले थे ना, जबरदस्ती वाला प्यार, है ना? कमाल है ना कबीर, पिया की ना का मतलब हाँ है और तुम्हारी ना का मतलब ना है। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, हमें पिया पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, हम बस यहां से जाकर ना पिया को कभी परेशान नहीं करेंगे। हम ये भी जान गए हैं कि प्यार हासिल करना नहीं पाना होता है।
लेकिन प्लीज अब आप हमें यहाँ से बचा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई इसके साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ अब कैसी शादी, हम कह रहे हैं ना हम इनसे प्यार नहीं करते, आप बस हमें यहाँ से बचाइए। और ये जबरदस्ती कैसे कोई शादी कर सकता है? अच्छा अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती लग रहा है, और इतने टाइम से पिया के साथ जो तुम कर रहे हो, कभी सोचा कि उससे कितनी घुटन होती होगी? अब तो मुझे भी घुटन हो रही है नाटक करते करते मैडम से। इसका मतलब ये सब नाटक था? जी कबीर साहब, ये सब नाटक था। संतू का तुमसे प्यार करना, ये इनकाउंटर, हमारा तुम्हारे सेल में आना, ये सब नाटक था ताकि तुम्हें समझ में आए कि ना का मतलब ना होता है। करिश्मा सिंह, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, गुस्से में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वैसे मानना पड़ेगा ये आइडिया बहुत अच्छा था। ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है ना। पिया, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, हमारी वजह से आपको बहुत सारी परेशानी होगी, उन सब के लिए माफ कर दीजिए। और भाई डरो मत, माना हम तुम्हें मारे हैं, बट अभी तो हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। और तुम ना बहुत लकी हो कि पिया जी तुमसे प्यार करती हैं। भाई यही ना तुम्हारा दिक्कत है, हमारे और पिया जी के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं। पिया जी आप इससे प्यार नहीं करती? करते हा? और ये भी जानते हैं कि इनकी ना है, इसलिए हम इन पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। ये बात भी समझ चुके हैं कि लड़का हो या लड़की, ना का मतलब ना। बिल्कुल सही, सच्चा प्यार वही तो होता है जो उसकी ना में भी अपनी हाँ मिलाए, उसके निर्णय को स्वीकार करे, फिर भले खुद को क्यों ना बुरा लगे। हाँ, और इसका सबसे ताजा ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी मैडम सर। इन्होंने अभी अभी अनुभव भैया को प्रपोज किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने उनका निर्णय स्वीकार किया। किसने कहा? जयहिंद सर। जयहिंद। किसने कहा कि हमने हसीना जी का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार किया है? प्लीज रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, हम समझ क्यों नहीं रहे? आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, हम साफ साफ कह रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत समय से हम एक लड़का तलाश कर रहे हैं निकाह के लिए, लेकिन सच बात तो यह है कि हम जब से आपसे मिले हैं हमारी तलाश खत्म हो गई। आप हमें बहुत पसंद है सर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन साथी बन जाएं। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान नहीं ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं है।
हमने दत्ता को इसलिए जाने दिया क्योंकि दत्ता इस मिशन की एक छोटी कड़ी थी, लेकिन आप इस मिशन की सबसे बड़ी चाबी हैं। हम अब जो भी करेंगे उसके लिए माफ कीजिएगा हसीना जी, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, और इस बड़े मिशन में देश हित के लिए चाहे हमें जो करना पड़ जाए हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले तो मैडम सर और डीएसपी सर मिले, अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाएगी, फिर एक साल के अंदर अंदर डीएसपी सर अपनी माँ को दादी बनने की खुशखबरी सुना देंगे। ये होती है स्पीड, ऐसे वंश आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा हाँ, तो क्या करें हम? का करें? का करें का का करें? देखिए, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, पोते पोतियों का मुंह भी देखना होता है सास को, पता नहीं ये कब होगा। अगर हमारी लल्ला की किसी और के साथ शादी हो गई होती ना, तो अब तक तो घर के आंगन में छोटा मोटा नर्सरी स्कूल खोल दिया होता पोते पोतियों से। लेकिन एक आप, और एक आप है जो आपको कुछ पड़ी नहीं है हमारे अरमानों की। हमारे नसीब में है कि नहीं पोता पोती? हमारा अधिकार है कि नहीं उनसे खेलने का? हमारा अधिकार है कि नहीं उनकी सूसु पोटी साफ करने का? देखिए पुष्पा जी, देखना वेखना कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें बच्चा चाहिए बस। अरे हम का पेड़ है क्या पोते पोतियों का, जो उसको हिलाया और पोते पोतियां टपक गए नीचे? ना अपने लल्ला को बोलिए ना, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, आपका अरमान पूरा करने के लिए? लेकिन नहीं, लल्ला को थोड़ी ना कुछ कहेंगी, जो कहेंगी हमको कहेंगी। हिसाब बने तो कुछ कहेंगे ना। आप ड्यूटी करके घर के अंदर घुसी रही होती है कि हमारा लल्ला बेचारा काम पे चला जाता है, बच्चे कहाँ होंगे, घर के दरवाजे पे? या तो घर के अंदर आइए या फिर हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाइए, और तब तक वापस मत आइएगा जब तक आपको ढंग की खुशखबरी ना सुना दे। करिश्मा सिंह जी, जी जी मैडम सर, ये पहली सॉल्व करिए। हाँ, मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं चलती हूँ, अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती हूँ, मैं कौन हूँ? मैं घड़ी हूँ, घड़ी मैडम सर। घड़ी, यूर राइट करिश्मा सिंह, वेरी गुड, क्या बात है। घड़ी करिश्मा सिंह आपके भाई दीना, आई टेल यू। वाह क्या बात है, मतलब पहेलियां चल रही है चैट पर। वैसे मैडम सर, एक पहेली हमारी भी है। देखिए, जब आपकी करिश्मा जी के भैया के साथ शादी हो जाएगी तो करिश्मा जी आपको रोज सुबह क्या कहेंगे? जय हिंद मैडम सर की प्रणाम भाभी जी। बहुत मस्करी सूझ रहा है ना पुष्पा जी, हमने भी बहुत दिनों से किसी का लाइन हाजिर करके मस्करी नहीं किया है, कर दे आज। अरे हम तो कह रहे थे कि भाभी सुने नहीं, हमारा मतलब मैडम सर, वो आपने जो हमें यहाँ पे पहली सुलझाने के लिए बुलाया था, अगर वो सुलझ गया हो तो थाने में बहुत सारे काम है, हम वो कर लें। सॉरी, वो चैटिंग का इतना अच्छा फ्लो चल रहा था कि एनीवेज, हमने आपको यहाँ पर ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, एक महिला कैदी है जिसे हमें सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचाना होगा। महिला कैदी कौन? वो अभी नहीं पता पुष्पा जी, 2 घंटे बाद ऊपर से ऑर्डर आएंगे, तब सारी डिटेल्स मिलेंगे, फिलहाल सिर्फ तैयार रहने के लिए कहा है। ठीक है मैडम सर, हम तैयार ही हैं, हम यही हैं, आप हमें बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो करिश्मा मैडम जी, बोल रहे हैं। मैडम हमने सुना है कि आप सबकी बहुत मदद करती है, सबकी परेशानी दूर करती है, हर जरूरतमंद का साथ देती है। मैडम प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या मदद चाहिए आपको हमारी, ये तो बताइए हमको। मैं फिलहाल मैम सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, कमरा नंबर 22। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए, और हाँ प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, टाइम बहुत कम है, प्लीज मैम आप यहाँ आ जाइए। लेकिन हमारा बात तो सुनो, हुआ क्या? मैडम आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, अगर आपके आने से पहले वो लोग आ गए तो। कौन लोग?
मैम मैम प्लीज आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप प्लीज मैम जल्द से जल्द आ जाइए यहाँ पे। हाँ आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं, हम आते हैं, ठीक है। बाईस नंबर रूम किधर है? तुमने हमको फोन करके बुलाया था? मैडम मैं निशा, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा तो क्या हुआ, क्या तकलीफ हो गया, बताइए हमको। मैडम हम पे इल्जाम है कि मैं किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन लेकिन मैडम ये सरासर झूठ है, मैं निर्दोष हूँ मैडम। आज कोर्ट में मेरी सुनवाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी मैडम। का नाम का बताया तुमने अपना? निशा अमृत। निशा अमृत है उस महिला कैदी का नाम। निशा अमृत, नाम सुना सुना सा लग रहा है मैडम सर। मैडम सर कहीं वही औरत तो नहीं है जिसको कुछ महीने पहले सभी प्रतिबंधित क्षेत्र और सुरक्षा स्थल की तस्वीर लेते हुए गिरफ्तार किया गया था? हाँ याद आया, बाद में जिसके पास ही मुंबई अटैक और पार्लियामेंट अटैक की कुछ तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स भी मिली थी। फिर ये तो वही है ना मैडम सर जिसपे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का आरोप लगा। करेक्ट, इसी औरत को हमें कोर्ट पहुंचाना है। चीता तुम यहीं पर रखो, थाना संभालो, हम जाकर आते। जी मैडम सर। करिश्मा मैडम कहाँ रहेगी? करिश्मा जी का हमें मैसेज आया था, उन्हें कुछ जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, वो हमें डायरेक्टली वहीं ज्वाइन करेंगे। मैडम सर निशा अमृत को 7 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया था, तो अदालत की कार्रवाई 7 महीने बाद क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब निशा को अरेस्ट किया गया था तब वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। और आई होप आपको ये याद होगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी प्रेग्नेंट औरत पर अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। अब जबकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो गई है, बच्चा स्वस्थ है, तो निशा को बुलाया जा रहा है कोर्ट पेशी के लिए। सॉरी वो मैडम सर की बात सुनने में ध्यान था मेरा। अब वैसे मैडम सर अगर निशा पे लगा हुआ इल्ज़ाम जो है वो साबित हो गया तो मेरा मतलब है कि अगर उसे सजा हो गई तो फिर उसके बच्चे का क्या होगा? तो उसका बच्चा उसके साथ जेल में रहेगा कम से कम 6 महीने तक, उसके बाद उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाएगा तब तक जब तक बच्चा बालिक नहीं हो जाता या फिर तब तक जब तक माँ की सज़ा पूरी नहीं हो जाती। कैसे होता है ना मैडम सर, माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बेगुनाह और मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची मेरे साथ जेल जाए, इसलिए जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप मेरी बच्ची को सुरक्षित जगह पे रखिए, ताकि मेरे ना होने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। और जैसे ही मुझे रिहाई मिल जाएगी मैडम, मैं आपसे अपनी बच्ची वापस ले जाऊंगी। नहीं तो तुम ये जिम्मेदारी हमको काहे दे रही हो? हमारा मतलब है तुम्हारे जानने वाले होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, तो उनमें से किसी को बोलो, वो ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, वो जिम्मेदारी समझ पाएंगे, मतलब समझ रही हो बात को? मैडम ऐसी औरत का बच्चा कौन अपने पास संभाल के रखेगा जिसके ऊपर देशद्रोही का आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हो? जब तक कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी नहीं कर देगी तब तक ये तो लोगों की नजरों में आतंकवादी की बच्ची रहेगी ना, कौन पालेगा इसे? नहीं लेकिन हम आप पर मुझे पूरा भरोसा है मैडम, मेरा दिल कहता है अगर मेरी बच्ची कहीं सुरक्षित है तो वो सिर्फ आपके पास सुरक्षित है मैडम। मैडम प्लीज मैडम, मैडम देखिए पुलिस आने वाली है मुझे कोर्ट ले जाने के लिए, अगर अगर उन्होंने मेरी बच्ची को देखा तो मैडम वो इसे भी मेरे साथ जेल ले जाएंगे। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। हमें कुछ सोचने तो दो, तुम 2 मिनट रुको। मैडम प्लीज मैं आपके आगे आ चुकी हूँ, मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैडम प्लीज मैडम मैडम प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए मैडम।
एक्सक्यूज मी, निशा अमृत कौन से कमरे में? रूम नंबर 22, सीधा और राइट। थैंक यू।